हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको वीडियो गेम्स को पायरेट नहीं करना चाहिए। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास किसी गेम की कॉपी या पायरेटेड फाइल है, इसका मतलब वो ओरिजिनल तो है नहीं, तो गेम का ऑफिशियल सर्वर आपको कभी डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा और फिर आप ऑनलाइन या फिर मल्टीप्लेयर मोड को यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका फीचर ही नहीं मिलता आपको। कुछ पायरेटेड गेम्स के उनके स्पेसिफिक अनऑफिशियल सर्वर या क्रैक गेम्स होती हैं जिनमें आप मल्टीप्लेयर मोड को कुछ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हो, बट जैसे ही ऑफिशियल सर्वर आपको डिटेक्ट कर लिया कि आपके पास कोई ओरिजिनल फाइल नहीं है इस गेम की, तो उसी टाइम आप गेम से बैन हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, मान लो आप कई घंटे निकाल दो किसी गेम की पायरेटेड कॉपी डाउनलोड करने में और उसके बाद उसको जैसे तैसे इंस्टॉल कर लो और लास्ट में कोई ना कोई इशू आ जाए, कोई मिसिंग फाइल मांगने लगे और उसके बाद वो सब भी तामझाम करने के बाद भी अगर आप गेम चलाते हो और वो नहीं चलती या कोई एरर आ जाता है, तो सोचो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। और दुनिया भर के हथकंडे अपनाने के बाद भी कोई गेम ना चले तो उसे खेलने का एक्साइटमेंट और आपका डेटा दोनों ही खत्म हो जाता है। और उल्टा एक नुकसान ये भी है, अगर आप किसी गेम को डाउनलोड करते हो तो उसके लिए आपको उस गेम को रिसर्च करने के चक्कर में अननोन वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है और जब आप उन अननोन वेबसाइट्स को ओपन करते हो तो आपके सिस्टम में बस वायरस के अलावा और कुछ नहीं आता, जो कि आपके सिस्टम को बुरी तरह और इन्फेक्टेड कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि पायरेटेड गेम्स आपको न्यू अपडेट्स, डीएलसीज, पैचेस वगैरह भी एक्सेस करने का ऑप्शन नहीं देती है। जेन्युइन कॉपी होंगी तभी आप इन गेम्स के अपडेट्स को और डीएलसीज को एक्सेस कर पाओगे। और अगर आप किसी गेम के रिकॉग्नाइज्ड कस्टमर नहीं हो तो आप डेवलपर से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, जिससे आप गेम का कोई बग वगैरह भी रिपोर्ट नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। एक्सटर्नल पैचेस और अपडेट्स भी मिल जाएंगे आपको कुछ केसेस में, जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, बट लॉन्ग रन की गेम्स के लिए पायरेटेड गेम्स ज्यादा कुछ नहीं देती प्लेयर्स को। एक पॉइंट ये भी ऐड कर लो कि सोचो आपने किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपनी लाइफ का एक अच्छा खासा टाइम पीरियड दे दिया और रिजल्ट में आपको कुछ ना मिले तो कैसा लगेगा। सेम यही सिचुएशन आती है डेवलपर्स के साथ, क्योंकि एक अच्छी गेम को बनाकर लोगों के आगे रखने में ऑब्वियस मनी के अलावा हार्डवर्क और टाइम लगता है बहुत ज्यादा, और गेम के लॉन्च के बाद जो उसका रेवेन्यू होता है वो डेवलपर्स के लिए एक रिवॉर्ड और मोटिवेशन का काम करता है। और इन गेम्स की पायरेसी हो जाए उस टाइम पे तो सोचो उनको कितना ज्यादा लॉस होता है, और कुछ केसेस में तो वो उतना भी अर्न नहीं कर पाते जितना उस गेम में लग गया है, यानी कि उसका जो टोटल बजट होता है उतना भी नहीं। और यही चीज एक इंडी डेवलपर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाती है, और जब उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशन जितना रेवेन्यू ना मिले तो उनके पास क्या ही बजट और मोटिवेशन होगा नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट को बनाते हुए आगे खुद को एक पॉपुलर और बड़े स्टूडियो में इवॉल्व करने का। हालांकि मिक्स रिएक्शन तो मिलते हैं, बट आप भी जानते हो उतना ही काफी नहीं होता। एक पॉपुलर स्टूडियो के लिए ये कोई बिग डील या प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनकी सेल्स उनकी पायरेसी से बहुत आगे होती है, जिसमें उनको पायरेसी से इतना फर्क नहीं पड़ता, और यही एक बड़ा रीजन है इंडिया से कोई बड़ी गेम ना बनने का। हालांकि यहाँ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, बट कोई भी ऐसी फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिसमें उनको लॉस फेस करना पड़े। और गेमिंग इंडस्ट्री में पैसे लगाकर एक तगड़े स्टूडियो के साथ एक बड़ी और अच्छी गेम बनाना किसी चैलेंज से कम तो है नहीं। और मान लो कोई गेम बन भी गई और वो पायरेट हो जाए उसी टाइम, तो सोचो डेवलपर्स का क्या ही होगा। इसी वजह से लोग अपने कदम पीछे कर लेते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाने से पहले, और पायरेसी के इसी लॉस से होने वाले डर की वजह से कितने गेमिंग के अच्छे और कूल आइडियाज आज बस आइडियाज बन के रह गए हैं। अपने इंडिया में पायरेसी को लेकर कोई स्ट्रिक्ट रूल या लॉ तो नहीं है, हालांकि काफी सारे वीडियो गेम एलिमेंट्स अलग अलग प्रोविजन के थ्रू कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंडर सिक्योर रहते हैं और इन रूल्स को तोड़ने पर अच्छा खासा फाइन या जेल भी हो सकती है, बट ये प्रोविजन डेवलपर स्टूडियोज के लिए ज्यादा है रेदर देन प्लेयर, जिस वजह से पायरेसी करने पर कोई जल्दी पकड़ा जाता नहीं है। और सिंपल सी बात है, इतने बड़े नंबर पर पायरेसी होती है, आप किस किस को पकड़ोगे? और जब तक कोई स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन या लॉ नहीं बनेगा तब तक खुद से तो लोग पायरेसी करना बंद नहीं करेंगे कभी भी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है इस टॉपिक को लेकर। उसके साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।